अब यह कमरा सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। तो इस कमरे के इंटीरियर्स भी हम दोनों की पसंद के ही होने चाहिए ना। इससे पहले कि करण पूरी तरह ठीक हो जाए, मुझे जल्द से जल्द अल्बेरी से स्वर्ण भवन के बेबस पर साइन लेने होंगे। हेलो, क्या मैंने तुमसे मना किया था यहाँ आने से? ठीक है, वही रुको, मैं अभी आ रही हूँ। देख अल्बेली, तन्ने आनो पड़ोगो हमारे से मिलने अभी के अभी। अरे ना आ सकू मा, अस्पताल जानो है मन्ने। मगर मेरी बात सुन तो। ओ मामा अठेला ला। सुन अल्बेली, मामा जैसा कह रहा है ना तू वैसा ही कर, समझी? ज्यादा चाय जाय करने की जरूरत नहीं है। छोटू। जी दाई मां। बहू कहाँ है? जी वो तो फार्म हाउस गई है। फार्म हाउस गई है? जी। कोई और गया है उनके साथ? जी और तो कोई नहीं गया है। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। Excuse me. राजी, वो हम आज फार्म हाउस देखने आए थे और हम कार भी लेकर आए थे, हमने बाहर पार्क की थी, पर पता नहीं किसी ने हमें बाहर से लॉक कर दिया है और कार भी चोरी हो गई है। क्या? जी, हम यहाँ अकेले सुनसान इस फार्म हाउस में बंद है, आप हमें लेने आ जाएंगे प्लीज? तो देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम पहुँच रहे हैं, अब हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं। जी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल। राजी, पत्नी का हक पाने के लिए भले ही हमें झूठ बोलना पड़े, लेकिन अपना हक पाने के लिए उठाया गया कदम कभी गलत नहीं होता। अरे कब तक अपने आप को धोखा देती रहेगी तू? अरे सारी जिंदगी उस करण की नकली लुकाई बनकर रहेगी के तू? मेरी मान, जल्दी से अपने तीन टप्पर बठे से बटोल ले और लौटा अपनी असली जिंदगी मां। यहाँ नौटंकी भी ना चल रही तेरे बिना। तुम दोनों के चवन्नी अट्ठन्नी की राजगारी के बारे में सोच रहे हो? हाँ, बड़ो सोचो, मारे खेल में मारा साथ दो, इतनी दौलत दिलाऊंगी जो कभी सपने में अभी ना सोचा हो। भाई को कैसे? हाँ सुनो, अरे वाह, अब गिना तूने अलबेड़ी वाली बात। अब जैसा तू बोलेगी वैसा ही करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जितने पैसों की बात हुई थी मैंने फैक्ट्री जलने के बाद तुम्हें दे दिए थे, अब तो मुझे सब सच सच बोलना ही पड़ेगा। ये लो और पैसे और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि करण को पूरी तरह होश आ जाए। मुझे किसी भी तरह स्वर्ण भवन अपने नाम करवाना होगा अलबेली से। हेलो, अच्छा हुआ तुमने फोन किया, 100 साल जियोगी मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी। तू मने बतावेगी या मैं तने बताऊं तूने कैया मने याद किया? देख अल्बेली, शतरंज की इस बाजी में राजा बहुत जल्द मरने वाला है, बस आखिरी चाल बाकी है, फिर शह और मात। आज शाम 6 बजे मुझे मिलने आना, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी और मुझे मेरा स्वर्ण भवन मिल जाए। तुम भी खुश और मैं भी। तो तुम कहाँ हो इस वक्त? अस्पताल जा रही हूँ। और कुछ पूछना है तने? नहीं ना, मिलती हूँ 6 बजे। देवराज सेवमान पावन अग्र पंकज जीव विक्रमा।